तो भाई स्वागत है आपका एक और नई सुबह में। और नहा धो के हो गए तैयार, लेकिन गर्मी इतनी है क्या बताऊं। कल तो रात को होटल में जाके बैठे और लाइट भी बंद नहीं करी, ऐसी सो गए दोनों। बताओ अब मंदिर चलते हैं बागे बिहारी जी। कर दिया काम, गाड़ी का मतलब क्या हो गया। चलो मंदिर चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आगे। ये तो हमारे सामने तो चल गए दर्शन लिए, आदम जल्दी गए थे और भोग आ गया बिहारी जी का। भोग के वजह से अंदर बैठे थे, देखते हैं आज क्या लगा। अरे भोग लग रहा है बिहारी जी का। बोल वाके बिहारी लाल की जय हो। ये हमारे यहाँ के महंत जी हैं, ओम गोस्वामी जी, जिनकी कृपा में बनी रहती है हमेशा। क्या होता है जिनकी कृपा बनी रहती है हमेशा, ओम गोस्वामी जी की। आप कभी देख सकते हैं कितना सुंदर ठाकुर जी महाराज का पूरा कमरा सजा हुआ है। आप कोई भक्त कर सकते हैं इसके दर्शन, और आप कभी देख सकते हैं कितने भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो गणेश जी का दर्शन करा दीजिए। अरे भगवान जी भोग आ रहा है, भोग लगेगा उसके बाद दोबारा दर्शन होंगे। ये फैन आ गए वृंदावन में। वृंदावन ये भाई फैन है। सारे गेट बंद हैं, शुरू हो रहा है। टाइम हो रहा है 12:05 पूरे भीड़ में बिहारी जी के आरती होते हुए। तो दर्शन कर लिए हैं भाई मंदिर में, फर्स्ट क्लास मौज आ गई एकदम। अब पियेंगे जूस, गन्ने का रस। A few moments later. तो भाई आ चुके हैं होटल पे, गणेश देख रहा है रील, अभी मंगाते हैं खाना। तो भाई गणेश खो गया, अभी गणेश को ढूंढते हैं। आ गया गाड़ी जा भी गए कहाँ। One eternity later. तो भाई गणेश से गाड़ी ले ली अब मैंने, और अब ऐसे जाएगी, सारे टोल फ्री होंगे अपने, जितने भी टोल सब फ्री। फास्टैग उतार दिया है और प्रोग्राम तो था हमारा वृंदावन का। अब बाकी बिहारी जी मंदिर घूम लिए, वहां पे लग गई गर्मी, तो और तो घूमना बस की नहीं था फिर। तो वहां से चल दिए हम ऋषिकेश उल्टा एकदम। तो अब NH 24 पे हैं, अब जा रहे हैं ऋषिकेश। तो चलो मैसेज होगा। लेट से मत काटियो। ये लो तनीष भाई आ चुके हैं। आए तनीष भाई, सिस्टम है इसका। कौन सा बटन है इसका? सायरन बटन। सायरन है ही नहीं है। फास्ट फुल सॉल बटन है, उड़ेगी गाड़ी 2 मिनट बाद। सायरन नहीं है। हो गया दर्शन, बढ़िया फर्स्ट क्लास एक नंबर। अब पहली बार इतनी देर रुकूं मंदिर में। अच्छा इस बार बैठ के आए थे यार, हमारा तो कैंसिल हो गया काम, कब से ऐसे रहता है। उस पे भी स्टॉप चलाया था हैं उस पर। हां तो सही है ना, और मुझे ये बजे के चलता रहा अपना, जहां गाड़ी जा रही है अपनी। क्या लोगे, क्या मंगवाओगे फिर? ना भाई कुछ नहीं, हम तो निकलेंगे बस साए साए। अभी अभी तो खाना खाया ना थोड़ी देर पहले। कोल्ड ड्रिंक लेते चल जाओ। ये रखी पीछे बैठे, कुछ इंतजाम चाहिए तो कुछ नहीं है। चेक कर दी है, टिकट जो रहते हैं चेक कर लेती है जैसे
बस वाले कर लेते हैं ना अपना। तो भाई गाड़ी चला रहे थे सुबह से, थक चुके हैं। अब दिया है ऑर्डर खाने को, पराठा गोभी वोभी पी लें, जैन शिकंजी पे बैठे हुए हैं। आ चुका है खाना अपना। A few moments later. भाई इस बार अपना होटल अपना चेंज है, इस बार का रूम दिखाता हूँ, अपना कमरा नंबर 107 और ये रहा अपना रूम। देख रहे हो डाइट करके तुम्हारे भाई ने मेहनत से सब पेट खत्म कर दिया और उल्टा सीधा चल रहा खाना, अब सब खा रहा हूँ बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब आँच वाँच करके पियेंगे हुक्का। ये आवाज कैसे कर रहा है इतनी, बहुत बड़ा है। आ जा गणेश, कुछ दिख रहा है कैमरे में वैसे ही। तेरी शक्ल पे आ रहा है कुछ बिल्कुल शक्ल पे आ रहा है सुन बिल्कुल शक्ल पे आ रहा तेरी फिर हम दोनों के सिवा और कौन है यहाँ। तो राम राम जी, फिर से स्वागत है आपका ऋषिकेश के ब्लॉग में। और आज पहन लिए नई कमीज। तो भाई ऐसी है ये शर्ट, कमेंट बताना कैसी लग रही है। पीछे भी ऐसा प्रिंट सा बन रहा है इस पे ना ले रे। तो अब चलेंगे पहले नीलकंठ महादेव, इसके बाद दिखाते हैं आपको, पहले कुछ खा लें। तो भाई चलती है नीलकंठ। बोल नीलकंठ महाराज की जय। पहले देखें कुछ खा लें फिर चलते हैं आगे को। और नीलकंठ जैसा कि पता है मैं पहले भी आया था, अभी 10-15 दिन पहले। ये पहले भी ऐसी काम चल रहा था जब मैं आया था, 15 दिन पहले आया हूं। और हां लेफ्ट में देख कितना पानी है, यहां काम चल रहा लेफ्ट में पानी रोक रखा है, थोड़ा सा खोल रखा है ना वो देख लास्ट में। तो भाई जैसे कि नीलकंठ जा रहे थे और रास्ता बंद कर रखा है पुलिस वालों ने जाम वाम की वजह से, तो अब देखते हैं मनसा देवी वगैरह चलते हैं, वरना नीलकंठ तो मैं हर बार जाता हूँ। तो भाई ना नीलकंठ जा पाए ना मनसा देवी जा पाए। ये ट्रोले की लाइन है, लाइन तकड़ी है भाई। चल तो चल हर की पौड़ी बैठी चल भाई। कोई भी सैटरडे संडे को कभी मत आना हरिद्वार ऋषिकेश, नहीं तो ऐसी जाम में खड़े रहोगे हमारी तरह। डेढ़ घंटा हो गया इसी जाम में। इस साइकिल वाला बढ़िया कम से कम साइड में से निकाल के तो ले जाएगा अपना चुप, और हमें तो ऐसे चलना है आराम आराम। बोल गंगे मैया की जय। उज्जैन में जा मैं तो साल नहीं हुआ शादी में, अभी कुछ ज्यादा तो मुझे साल हो जाता शादी में, अभी कुछ ज्यादा है नहीं सकता। तो यहाँ तो शादी ना हुई अभी। A few moments later. जी फिर आगे चोटी वाले पूरे घूम के कुछ नहीं मिला। सैटरडे संडे कोई गलती से बताया ना घूमने, भाई आप बताओ कैसा सीन रहा हम दोनों का। कोई बताओ भाई संडे को। पहला तो जाम, इतना जाम कि हम घुस ही नहीं पाए कहीं भी। एक घंटे गए वहाँ के रास्ते बंद थे और खाना आ गया अपना भाई जाके। तो भाई जैसा कि मैंने आपको वहाँ भी कहा था संडे को बिल्कुल मत आओ, सैटरडे संडे में तो देख लो जाम 2 घंटे से ऊपर हो गए निकले हुए और हम आए होंगे अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर घर की ओर जा रहे हैं, और जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, अभी पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। Yes. दुबई घुस चुके हैं दिल्ली में, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3
तो भाई आ चुके हैं बैठक पे और शरीर में फिर लग रहा जैसे फैट सा आ गया, दो दिन बहुत खाया उल्टा सीधा। फिर अपनी कल से कंटिन्यू डाइट चलेगी, जिम चलेगी, बहुत घूम ली है, बहुत मुझ ले ली। पंडित वीडियो में जानबूझ के ट्राइसेप दिखा रहा है। और ये बाबा आए हुए हैं, बाबा आए हुए हैं बहुत दूर से। तो ठीक है भाई, राम राम, जय श्री राम। इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। खुश रहो, ऐसे प्यार बना के रखो। राम राम।